हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज ये इशू देखो, BS6 में अभी 3000 चल रही बाइक और ये लीक हो गया। एक तो इसमें राइट साइड कूलिंग का भी इशू है ना, क्या पता उस वजह से हो गया हो। तो अभी एजेंसी चलते हैं और इसको ठीक करवाते हैं। तो अभी यहाँ पे तो ले आए हैं, जॉब कार्ड बनवा लिए। मैंने यहाँ पे दो इशू बताए हैं, एक तो राइट साइड कूलिंग और एक सब पर लिखे, तो वो ठीक करेंगे। एक तो इसमें चेंज होगी वो रिंग होती है जो रबड़ की, और न्यू इंजन ऑयल वो शॉकर ऑयल भी डलेगा। ये रहा जॉब कार्ड। तो इसको ठीक करवाते हैं और फिर देखते हैं, शायद राइट साइड बुलिंग भी जा सकती है, नहीं तो उसका भी अलग प्रोसेस होगा। ठीक करवाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। आप देख सकते हो ये मैंने करवा लिया है, अभी भी निशान तो आ ही रहे हैं, पता नहीं क्योंकि राइट साइड कूलिंग है ना, तो मैंने उनको बोला ठीक कर दो, तो उन्होंने इसी को थोड़ा इस साइड कर दिया शॉकर को। एक बार पहले भी करवाया था, मुझे लग रहा उसी की वजह से तो ये हुआ था जो आज ये सील टूट गई है इसकी, ऑयल लीकेज वगैरह, तब भी उन्होंने शॉकर ही साइड कर दिया था और मुझे आवाज़ आ रही थी, तो मैंने वापस सीधा कर दिया, लगता है तब से प्रॉब्लम आ गई। और इसका चेंज करने का ये वारंटी में भी नहीं किया, क्योंकि अभी आप मेरी बाइक देख सकते हो सिर्फ 3400 किलोमीटर चल गई, और उसी में शॉकर ख़राब होना है कोई अच्छी बात तो नहीं है। ऊपर से वारंटी में भी रिपेयर नहीं किया, इसकी कॉस्ट आई कोई 500, मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा। तो मैंने सोचा क्योंकि देखो राइट साइड कूलिंग होती है और शॉकर भी राइट साइड का ख़राब हुआ है, तो सामने पता चलता है ये राइट साइड कूलिंग के इशू की वजह से हुआ है, पर वो वारंटी में तब भी नहीं कवर होता। तो अभी मैंने उनको बोला कि इसको भी ठीक कर दो राइट साइड कूलिंग को, तो कहते हैं ये अलॉयज की वजह से है, पहले दूसरे टायर डलवा के आओ फिर ठीक करके देंगे। तो वो वाले दूसरे जो स्टील रिम्स हैं वो भी मेरे घर पर ही हैं, अगर अभी मैं चेंज करवाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इशू ही है जी, एक साइड को खींच रहा है फिर से शॉकर ख़राब हो जाएगा इसीलिए। और ये देखो पूरे ऑयल ये सारा उन्होंने किया है, साफ़ भी नहीं करके दिया, ये तो मैंने अभी साफ़ किया, यहाँ पे भी ऑयल ये देख सकते हो, कोई शाइन ही नहीं रही, सिर्फ ऑयल उसको देखो, साफ़ तो करके देना चाहिए। उनकी मतलब सर्विस ओके ओके से ही लगी मुझे, कुछ ज़्यादा खास नहीं, इस पर भी और गंदे करती है ना, धोखे दिए ना कुछ। तो अभी मैं डलवाऊँगा स्टील रिम्स, फिर मैं उनके पास लेके जाऊंगा इसको, फिर इसकी करवाते हैं सीधी, क्योंकि ये राइट साइड को जाना मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि एक हाथ पे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो ये BS6 में बड़ा ही ज़्यादा वो इशू है, जो भी कंपनी से ही हो रहा है, लोग ठीक भी करवा रहे हैं पर ये मानते ही नहीं है। इनको पहले स्टील रिम डलवाऊँगा फिर ये मानेंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं अलॉयज की वजह से हो रहा है। तो अभी मैं आया हूँ, स्टील वाले रिम्स लेके डलवाते हैं, फिर चेक करेंगे कि राइट साइड जा रहा है कि नहीं, तो सामने पता चल जाएगा कि अलॉयज की वजह से हो रहा है या फिर चेसी वगैरह में कोई और दिक्कत है। तो अभी पता चला पंचर भी था, पंचर वगैरह भी कर ठीक करवा के, तो
तो सामने पता चल गया कि अलॉयस भी है। ये दिक्कत है, ये है कि जैसी में जो भी नहीं होनी चाहिए पता क्यों बोल रहे हैं यार। वो मैंने भी तो बाकी के इतने पैसे दिए हैं, बाकी का सीधा चल रहा है। अभी जाएंगे हम एजेंसी पे, फिर आपको बताएंगे क्या रहता है उनका बिहेवियर, क्योंकि मुझे बड़ा ऐसे ही कल एवरेज लग रहे थे। जो शौकर सोते यार, ये देखो ये बाइक चली है मेरी, और अभी शौकर लिख गए बुलेट में लाख लाख से ज़्यादा तब नहीं आती है, और ऊपर से वारंटी में कवर नहीं कर रहे हैं। पता नहीं अभी आवाज़ भी आ रही है नहीं, घर जाके बात करता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ अभी उधर एजेंसी में वापस, क्योंकि ये देखो हवा भी निकली हुई है इसकी, और फिर भी टेढ़ा ही चल रहा, तो चलते हैं एजेंसी। और यहाँ पे मेरी बात हुई जब एजेंसी में, तो कहते कि बाहर से करवाओ, हम नहीं करते हैं स्पोक टाइट, बिल हम पे कर देंगे आप बाहर से। उन्होंने एक दुकान बताई, वहाँ से करवा के हमारे पास बाइक ले आओ और बिल ले आओ, तब हम ठीक करके ठीक हो जाएगी और हम आपको पे कर देंगे जो भी बिल लेंगे। लेकिन बिल वगैरह बनने के बाद भी, यहाँ से मतलब सब कुछ करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुई, उन्होंने अलाइनमेंट की थी जो भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे, तब भी जाते थे। फिर मैं चला गया वापस एजेंसी, मुझे पेमेंट हो गई, कहते नेक्स्ट डे आना फिर आपको आराम से करके देंगे। और ये वो बिल है जो शॉकर लेके जो हुई थी, 300 रुपये ले, 200 का सामान है, 300 रुपये। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट डे जाऊंगा, फिर आपको बताता हूँ क्या प्रोसेस हुआ, चेस चेंज हुई है या कोई और न्यू प्रॉब्लम निकल के आई है, क्योंकि मैं तो दुखी हो गया। अब तो मैं करवा के ही रहूँगा, ठीक, 3 चक्कर लगा चुका हूँ ऑलरेडी, अब तो नहीं छोड़ूंगा इनको, क्योंकि एक बार होता है, दो बार होता है, बंदा ठीक तो करके देना चाहिए, रोज लोग लाने लगा रहे हैं, कभी ये कर देंगे कभी कल कर देंगे। तो नेक्स्ट डे चलते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, सब्सक्राइब कर लो, जल्दी बने रहें चैनल पे।